नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक MCQ का चैप्टर लेके आया हूँ। मतलब MCQ से जितने भी रिलेटेड सीरीज है वो हमारा अभी चल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे चैप्टर 3 की बारी है और चैप्टर 3 से जितने भी MCQ मेरे को इम्पोर्टेंट लगे हैं, जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को आज मैं लेके आया हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 MCQ के बारे में। MCQ के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अब हमारा जो है आप सभी के लिए वेबसाइट चालू हो चुका है lastdoubt.com, जहां से आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी प्रकार के नोट्स को, प्रश्न उत्तर को, इसके अलावा MCQ प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल मुफ्त है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। lastdoubt.com पे जाएं और सभी प्रकार के नोट्स, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट MCQ। और ये हमारा पहला MCQ है। सबसे फर्स्ट MCQ जो है वो कहता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। आप लोगों को जब मैंने चैप्टर 3 के वीडियोस को बताया था, जब उसके सभी पार्ट्सों को समझाया था, तो उस समय ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध इसका सही उत्तर है। यदि बात किया जाए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की, तो यह प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। आप वहां पर बताइएगा, अलकायदा से इसका कोई संबंध नहीं है, यूगोस्लोवाकिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई थी उससे भी इसका कोई संबंध नहीं है, और जॉर्जिया से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। प्रथम खाड़ी युद्ध से इसका संबंध है। सेकेंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। याद है ना, मैंने आपको ये इराक और कुवैत की एक लंबी कहानी समझाया था। तो कुवैत पर किसने आक्रमण किया था, इराक ने, और आक्रमण ही नहीं किया, इसे अपने कब्जों में ले लिया बहुत जल्दीबाजी में, जिस कारण से अमेरिका का वर्चस्व यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ईरान गलत उत्तर है, पाकिस्तान गलत उत्तर है, अफगानिस्तान गलत उत्तर है, सही उत्तर है इराक। इराक ने कुवैत पे अटैक किया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। याद है ना, भारत ने इसका विरोध भी किया था। तो भारत ने इसका विरोध किया था और कहा था कि मैं इस संधि को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये संधि जो थी ना, परमाणु अप्रसार संधि, वो ये कहता था कि परमाणु शक्ति जिस देश के पास है वही परमाणु हथियार रख सकते हैं। ये कौन सा नियम है भाई, अगर कोई देश कमजोर है और आगे जाकर वो परमाणु शक्ति रखना चाहे तो उसको रखने नहीं दोगे, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 में आक्रमण हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका के विश्व व्यापार पर, जो इनका व्यापार का विश्व का मतलब जो तरीका था, जो संगठन था, उस पर आक्रमण हुआ था 11 सितंबर 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य को देन है। तो यदि हम इंटरनेट से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सबसे अव्वल कंपनियां हैं, ये सब अमेरिका का देन है। वहां पे आपको बताना पड़ेगा अमेरिका, ना तो चीन ने दिया है, ना जापान ने दिया है, ना भारत ने दिया है, ये देश तो उधार की खाते हैं अमेरिका से, क्योंकि तो डिजिटल मार्केटिंग में वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो विश्व इंटरनेट की सुविधा है उस पे जो है वो अमेरिका का वर्चस्व है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी जब हम चैप्टर डील कर रहे थे तो आपको मैंने समझाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी क्वेरी उसमें सॉल्व की गई है। इसका भी राइट आंसर है अमेरिका। शुरुआत किया गया था बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस मैनेजमेंट का, अमेरिका से, और आज भी अमेरिका के अंदर जो MBA की डिग्री प्राप्त होती है ना, वो पूरे विश्व में कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, अमेरिका का वर्चस्व इतना है कि उसके डिग्री का वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, किस देश ने 2003 में, कौन सा ऐसा देश है जो 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया था। सिंपल आंसर है, अमेरिका ने, अमेरिका ने किया था। पहली बार तो संघ ने खुद कहा था कि जाओ उसे आजाद करवाओ, कुवैत से उसका वर्चस्व खत्म करो। दूसरी बार में अमेरिका ने किसी की सुनी उन्हीं नहीं, डायरेक्ट जाके हमला कर दिया और दुनिया को बता दिया कि उसके अंदर कुछ ऐसे परमाणु बम बन रहे थे जिससे पूरी मानव जाति को खतरा था, लेकिन बाद में जांच हुआ कुछ नहीं निकला।
कुछ नहीं आया, अमेरिका को तो अपने बचाव में कुछ बोलना था ना, तो उसने अपना ये बोल दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के ऊपर खर्च करता है। देखिए मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि अमेरिका मात्र एक ऐसा देश है जो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने रक्षा पे, अपने सैनिक पे, अपने सैन्य हथियारों पे, अपने परमाणु बम पे, अपने ऑटोमेटिक वेपन में, और दुनिया से जितने भी देश है ना उन सबसे ज्यादा वो आधुनिकरण अपने सेना को करना चाहता है और कर भी रहा है। इसलिए अमेरिका इज द राइट आंसर, अमेरिका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सद्दाम हुसैन, फिर से मैं चैप्टर पे आ जाता हूँ बार बार, क्योंकि चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ समझाया था। सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? 13 सितंबर 2003 को सद्दाम हुसैन पकड़ा गया था। याद रखिएगा 13 सितंबर 2003 को जब अमेरिका ने उस पर अटैक किया तो उसे वो पकड़ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? देखिए तालिबान जो संगठन है वो शुरुआत से ही अफगानिस्तान के धरती पे पला बड़ा है और वहीं पे अपना पैर पसारा है, तो यहाँ पे ईरान इसका गलत उत्तर है, पाकिस्तान इसका गलत उत्तर है। हालांकि पाकिस्तान से भी उसके संपर्क हैं, क्योंकि ये सब आपस में रिलेशन में है। आतंकवादी का दूसरा भाई पाकिस्तान, तीसरा भाई चीन, चौथा भाई बांग्लादेश, पांचवा भाई अफगानिस्तान, ऐसे करके ये तो इनके रिलेशन में है ना, आतंकवादी संगठन के ये भाई भतीजे हैं। तो अफगानिस्तान इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान में ही 1996 में तालिबान ने अपना गढ़ बनाया था, अपने संगठन को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? देखिए जीतना तो उसके डीएनए में ही है, हमेशा जीतता ही है, अपराध करना भी उसके डीएनए में है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है, लोग उसके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वर्चस्व उसका बहुत ज्यादा है। कानून व्यवस्था में ना उसने सैन्य बल के जो 4 लक्ष्य हैं उसमें से एक लक्ष्य उसका जो है वो कानून व्यवस्था के ऊपर भी है, तो उसने कानून व्यवस्था को सही तरीके से कायम नहीं किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमेरिका इराकी फ्रीडम का भी जिक्र हमने वीडियोस में किया था, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई। यहाँ पे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका ने अनुमति ले ली, जबकि ये तो गलत बात है, अमेरिका ने तो अनुमति ली ही नहीं, अनुमति तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने मन से अपने वर्चस्व को दिखाते हुए इराक पे हमला कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया, इसके खुद के 3000 सैनिक मारे गए, इसकी निंदा भी हुई पूरे विश्व में, इसको निंदा किया गया। लेकिन इसमें एक बात और है, इससे पहले जो कुवैत पे इराक ने अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था ना, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे कहा था कि जाओ तुम सैन्य बल को उपयोग करो लेकिन कुवैत को आजाद करवाओ, लेकिन दूसरी बार ना उसने किसी से पूछा उछा नहीं, डायरेक्ट हमला कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर है? तो अमेरिका में जो पेंटागन है ना वो मशहूर इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो सुरक्षा एजेंसी सबका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेंटागन में ही है। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेंटागन का जो राजस्व वसूला जाता है, जो टैक्स वसूला जाता है, लगभग लगभग पूरे पेंटागन का जो टैक्स है वो सेना के सुरक्षा पे ही खर्च किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? जैसे हमारे भारत में राज्यों की संख्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, हर एक राज्य में डिस्ट्रिक्टों की संख्या है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के अंदर कितने राज्य हैं, तो वहां पे आप बताओगे कि कुल राज्यों की संख्या यूएस में 50 है, 50 स्टेट्स हैं यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में वर्तमान समय में। तो ये अब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अगर आपसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम खाड़ी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया, 1991 में शीत युद्ध के दौर के जस्ट समाप्त होने के बाद।
आपको तो पता है शीत युद्ध की दौर की समाप्ति भी 1991, सोवियत संघ का विघटन भी 1991 और प्रथम खारी युद्ध भी 1991 में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पे हमला किया था? अमेरिका था वो। ये शायद प्रश्न हमारा दूसरा बार आ गया है गलती से, बाय मिस्टेक, क्योंकि जब मैं इसे सेट कर रहा था ना, तो हो सकता है कि मुझे ये दोबारा दिख गया हो, और ये इंपॉर्टेंट तो है ही, तो मैंने शायद इसे दूसरी बार ले लिया है। कोई बात नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2003 में बिना संयुक्त राष्ट्र संघ, बिना यूनाइटेड नेशन के आज्ञा लिए हुए ही अमेरिका ने इराक पे अटैक कर दिया। कौन था वो देश? अमेरिका था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अगर वर्चस्व की बात की जाए तो वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ये बात गलत है, ये नहीं होता है। याद होगा आपको शुरुआत में सोवियत संघ ज्यादा वर्चस्व में था, अमेरिका थोड़ा सा उससे नीचे था, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, सोवियत संघ की वर्चस्वता खत्म हो गई और अमेरिका की वर्चस्वता बढ़ गई। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर अभी कोई वर्चस्व में है, अगर अभी कोई देश पूरे विश्व पटल पे वर्चस्व पे है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वही वर्चस्व में रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जब मैं वर्चस्व चैप्टर को पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उस समय हमने चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया था, जहां पे मैंने आपको ये बताया था जिस तरह से अभी चाइना का अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है, चल रहा है, तो आने वाले 2040 तक ऐसा माना जाता है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, वो अमेरिका से भी आगे होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व था, अमेरिका का वर्चस्व है और अमेरिका का वर्चस्व रहेगा, ये गलत है। आगे जाके हो सकता है कि चाइना का वर्चस्व अमेरिका से ज्यादा हो जाए, भारत का वर्चस्व चाइना से ज्यादा हो जाए, या हो सकता है ये भी कि सबको छोड़ के और रूस का वर्चस्व फिर से पुराने पायदान पे आ जाए और वो सबसे वर्चस्वशील देशों में आ जाए। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका ने जो इराक पे अटैक किया ना, उसका लालसा था वहां पे सत्ता बदलना, अपने हिसाब से वहां की सत्ता कायम करना। देखिए, इराक में तेल भंडार भी बहुत ज्यादा है, उसपे भी उसको नियंत्रण करना था, और इसके अलावा वहां पे अपने सत्ता, अपने अपने जो उसके चाटुकार देश थे ना, चाटुकार नेता जो थे ना, उनको वो सत्ता पे लाना चाहता था, ताकि आगे जाके वो वहां के विशाल तेल भंडार पे अपना कब्जा कर सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख किसे कहा जाता था? देखिए, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि दो ध्रुवीय देशों में से एक ध्रुवीय देश का समाप्ति हो गया, मतलब यूएसएसआर की समाप्ति हो गई, एक ध्रुवीय विश्व का दौर अब चालू हो गया, जिसे हम अमेरिका का वर्चस्व के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जब यूएसएसआर समाप्त हो गया ना, तो अमेरिका का ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया? कुवैत पर हमला कर दिया ना 1930 में, पगला इराक को पता नहीं क्या समझ में आया, फटाफट और कोई नहीं गिरा था, कुवैत को पेल दिया, मतलब कुवैत पर अटैक कर दिया। और कुवैत आपको पता है छोटा देश है, उसकी जनसंख्या भी छोटी है, कम लोग है वहां पे, हमारे आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में एक राज्य सबसे छोटा ले लो ना, सबसे छोटे राज्य में हम झारखंड को ही ले लेते हैं, झारखंड की आधी आबादी भी वहां पे नहीं थी उस समय, आधी से आधी कह लो आप, उस कुवैत पर अटैक कर दिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। लोग लाख समझाया कि क्या कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो, यूएन ने समझाया, अन गल्फ कंट्री ने समझाया, लेकिन पता नहीं इसको क्या मति भ्रष्ट हो चुका था, इसको तो बर्बाद होना था, नहीं छोड़ा, अमेरिका ने इसको पेल दिया बहुत बुरी तरीके से। सद्दाम हुसैन उस समय वहां का सुप्रीमो हुआ करता था, वो भी मारा गया, अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए, और इसके अलावा आम नागरिक और इराकी सैनिकों की संख्या अगर बात की जाए तो 50,000 की, जिन लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई इस कारण बस। तो 1930 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया था, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब प्रश्नों की संख्या हो चुकी है समाप्त। इस तरह से आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 के टोटल इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको समझा दिया।
इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपके एमसीक्यू है और मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट में वीडियो बड़ी लंबी चौड़ी पूरी डिटेल्स के साथ बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस एमसीक्यू को देखें, ताकि आपका पूरे चैप्टर का कंसेप्ट ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे यह पता चल पाए कि हाँ हमारे बच्चों को किस तरह की परेशानी हो रही है, फिर मैं उन स्पेशल टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।